एमपी के गुना के चाचोड़ा और राघोगढ़ में पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के दो ठिकानों पर छापा मारा। इस दौरान हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। अवैध शराब बनाने वालों ने यहां 7 फीट गहरे गड्ढों में टंकियां गाड़ रखी है, ऊपर हैंडपंप लगाए हैं, इनसे शराब निकालते हैं। ये शराब पॉलीबैग में भरकर बेचते हैं। उज्जैन में होने वाले महाकाल लोक के लोकार्पण कार्यक्रम को लेकर प्रशासन को विशेष अलर्ट जारी किया गया है। महाकाल लोक के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को उज्जैन पहुंच रहे हैं। पीएम मंगलवार शाम 6 बजे महाकाल मंदिर पहुंचेंगे। इस दौरान वे गर्भगृह से दर्शन कर 6:30 बजे महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान उज्जैन में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया एयर टर्मिनल का विस्तार होने जा रहा है। एयर टर्मिनल की नई बिल्डिंग की क्षमता 1400 यात्रियों की होगी। अभी वर्तमान में एयरपोर्ट की क्षमता सिर्फ 200 यात्रियों की है। यह हवाई पट्टी पर एयरबस व बड़ी फ्लाइट आसानी से लैंड व टेक ऑफ कर सकेंगी। इसके लिए एयरबेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भोपाल में रात भर से कभी रिमझिम तो कभी तेज बारिश का दौर चलता रहा। मौसम विभाग ने आज इंदौर, उज्जैन, भोपाल समेत कुछ जिलों में बारिश की संभावना जताई है। छिंदवाड़ा में मंगलवार सुबह 8 बजे गांगीवाड़ा टोल प्लाजा के पास ट्रक और यात्रियों से भरी बस की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इसमें 8 घायल यात्रियों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। यह बस दमुआ से नागपुर जा रही थी।